कुछ लोग अंडे को तोड़ के कच्चा ही दूध में डालते हैं, मिला के पी जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ये अंडा खाने का सही तरीका है, या हमें अंडे को बॉयल करके खाना चाहिए या उसको फ्राई करके खाना चाहिए? कई लोगों का मानना है कि जैसे स्पेशली जो बॉडी बिल्डिंग के लिए खाते हैं या अपनी वैसे हेल्थ वेट स्पेशली बढ़ाने के लिए या बॉडी बिल्डिंग के लिए खाते हैं, उनका ये मानना होता है कि ये अंडा अगर हम इसको पका लेंगे तो इसमें हमें पूरा प्रोटीन नहीं मिलेगा या हमारा उतना वेट नहीं बढ़ेगा जितना कि कच्चे अंडे खाने से मिलेगा। ये हम भी लोग बचपन में करते रहे हैं, यंग एज में करते रहे हैं, क्योंकि हमें भी इस चीज़ के बारे में पता नहीं था कि कौन सी चीज़ सही है। अभी क्या है कि हम पहले तो ये देखते हैं कि इनमें पोषण कितना है। अगर बात करें कि अंडे के अंदर कितना प्रोटीन होता है, कितना फैट होता है तो और कितने मिनरल्स होते हैं, वो कच्चे अंडे में भी सेम होते हैं, बॉयल्ड में भी सेम होते हैं और इसके फ्राई किए हुए अंडे में भी सेम होते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है, जो कच्चा अंडा होता है, जो हमारा ह्यूमन गट है, इतने हज़ारों सालों से लाखों सालों से हम जो है पका हुआ खाने की आदि हो गए हैं, तो जो ये इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो जब तक उसको पकाया नहीं जाएगा तो उसका केवल 60% ही अब्जॉर्ब होता है। इसको बायोअवेलेबिलिटी बोलते हैं कि प्रोटीन जो है इसके अंदर अगर 100 ग्राम प्रोटीन है तो 100 ग्राम में से हमें 60 ग्राम ही प्रोटीन मिलेगा, 40 ग्राम हमारा वेस्ट चले जाएगा। दूसरा, जब हम कच्चा अंडा खाते हैं तो इसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, उसको बोलते हैं साल्मोनेला टाइफाई, जो कि हमारा पेट खराब कर सकता है और हमारे को टाइफाइड नामक बीमारी भी कच्चा अंडा खाने से हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों हमें कच्चा अंडा जो है उसकी बजाय, हमने ये तो हमें पता चल गया कि कच्चा अंडा हमें नहीं लेना है दो कारणों से। मेन पहली बात यह है कि उसके अंदर हमें को प्रोटीन जो है वो पूरा नहीं मिलेगा, पूरी हमें पोषण नहीं मिलेगा, और दूसरा हमें इन्फेक्शन होने की चांसेस हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं। अब बात आ गई है इसकी, ये जो हमारा बॉयल्ड एग है, बॉयल्ड एग में क्या होता है, बॉयल्ड एग में ये योक, इसका अंडे का योक होता है और ये होता है वाइट पोर्शन। इसमें जो योक है ये एक प्रोटीन और फैट और विटामिन्स का भंडार है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो वाइट पोर्शन है ये प्योर प्रोटीन है, इसमें केवल एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन होता है। ये वर्ल्ड का प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन माना जाता है, इसीलिए जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं या कई बार कोई किसी बीमारी की वजह से हमें अंडे रिकमेंडेड होते हैं और एट द सेम टाइम हम फैट वाला नहीं खा सकते, तो ये वाइट पोर्शन जो है इसको हम कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर लगभग 3 ग्राम से 3.5 ग्राम तक प्रोटीन होता है और इसमें 2.5 से 3 ग्राम तक प्रोटीन होता है। जो योक है इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की वजह से, पहले हमें बताया जाता था कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है एग के अंदर, इसलिए हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन अभी पता चला, शोध में ये पता चला कि अगर हम एग में कोलेस्ट्रॉल आता भी है तो शरीर उतना कोलेस्ट्रॉल कम बनाता है, तो एग में आए हुए कोलेस्ट्रॉल का हमारे ब्लड के कोलेस्ट्रॉल में कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। 3 अंडे तक हम कंप्लीट डेली खा सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है। डायबिटीज़ का अभी कंफर्म नहीं है, डायबिटीज़ पे अभी शोध चल रहे हैं। डायबिटीज़ है तो 1 अंडा कंप्लीट खाइए और बाकी के आप वाइट्स खाइए। और अब आ गया हमारा फ्राई वाले अंडे के ऊपर, तो फ्राई अंडा जो है, अगर हमें ये जो अगर फ्राई अंडे की बात करें तो इसके अंदर सबसे बड़ा एक तो प्लस पॉइंट ये होता है कि जैसे कच्चे अंडे की बजाय हमें फ्राई अंडे में जो है वो प्रोटीन हमारा पूरा अब्जॉर्ब होगा क्योंकि ये पका हुआ है। नुकसान क्या होगा, नंबर एक तो ये है कि जो एग के अंदर जो फैट पोर्शन होता है, एक ये एग योक में लगभग 2.5 ग्राम के करीब फैट होता है, तो वो जो फैट है वो गुड फैट है, लेकिन अगर जब हम फ्राई करेंगे तो वो बहुत हाई अमाउंट में उसके अंदर प्रोटीन हाई अमाउंट में जो है वो हीट जनरेट होगी और उस हीट की वजह से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है इसके अंदर जो ट्रांस फैटी एसिड्स आ जाएंगे, और दूसरा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो हीट स्टेबल नहीं होते, इसलिए वो पूरा फ़ायदा नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि एग फ्राई करते टाइम अगर हम ऑयल ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी टोटल कैलोरीज जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों ये हमारे 3 प्रकार के एग्स का जो है वो हमने विश्लेषण किया, तो मेरे हिसाब से जो है वो बॉयल्ड एग सबसे बढ़िया रहता है, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हो या आपको वेट के इश्यूज हैं तो आप बॉयल्ड एग लीजिए। कच्चा अंडा कभी भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, और फ्राई एग आप खा सकते हैं अगर आप अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं और आपकी फैमिली में किसी हार्ट प्रॉब्लम की हिस्ट्री नहीं है और आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप एग फ्राई भी खा सकते हैं, ये भी टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है और रेगुलरली खाना ईजी रहता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।